अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। बताते चलें कि बुंदेलखंड बुंदेली परंपरा का गढ़ माना जाता है। बुंदेलखंड अपने आप में बहुत से लोक नृत्य और लोक संगीतों को संजोए हुए है और इन्हीं नृत्य में से एक मौनिका नृत्य है। मौनिका नृत्य श्रद्धा और भक्ति से भरा ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के ठीक एक दिन बाद परमा को किया जाता है, जिसे मौन परमा के नाम से भी जानते हैं। इस नृत्य में 20 से 30 लोगों की एक टोली होती है और यह सभी लोग मौन व्रत कहते हैं तथा यह सभी लोग कारसदेव मंदिर में इकट्ठा होते हैं और वहां पर विधि विधान से और पूजा अर्चना करके मौन धारण करते हैं। सबसे पहले मौनियां कारसदेव मंदिर में नाचते कहते हैं, इसके बाद वहां से 12 गाँव के लिए प्रस्थान करते हैं और 12 गाँव में नाच करते हैं। 12 गाँव पूरे करने पर वापसी में फिर अपने गाँव आते हैं और गाँव में आकर कारसदेव मंदिर में मौन तोड़ते हैं। जानकारों की माने तो इसकी कई पौराणिक कथाएं हैं और यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। रिपोर्टर बहादुर सिंह राजपूत के साथ पुष्पेंद्र राजपूत, बिल्ला। तो हमारे बीच में हैं पवन कुमार शास्त्री जी, जो बिल्ला से हैं। तो शास्त्री जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जो मौन परमा है, ये क्या है? जी, ऐसा है कि मौन परमा जो है ये अमावस्या से दीपावली से साधु संत, ये सतयुग की बात है, सतयुग से ही ये अमावस्या से मौन रह करके तपस्या करते थे और जो मौनी जो परमा है, परमा के दिन सारे दिन अन्न जल त्याग करके ये तपस्या करते थे मौन होकर के, इसलिए इसका मौन होकर के मौनी परमा का महत्व मनाया जाता है। तो देखते हैं हम लोग जो बुंदेलखंड में जो मौन परमा के दिन मौनिया नृत्य कहते हैं, तो ये मौनिया नृत्य क्या है? अच्छा, मौनिया ऐसा है कि जो मौनिया जिस दिन त्रेता जिस समय त्रेता युग में श्री राम जी वनवास से अपने अयोध्या के लिए वापस आए, तो जैसे सबसे पहले गांव के बाहर ये लोग मिले तो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में नृत्य करने लगे। हाथ में अपने जो है ग्वाल वाल डंडा लिए थे, उसी प्रकार से वो नृत्य करने लगे। अच्छा, इनका जो वेशभूषा होती है, ये वेशभूषा कोई अपने संग गाय जैसे बनाते हैं, कोई नचनारी जैसा भेष बनाते हैं। इनके बड़े विचित्र कहानी होती है। इनके जो भोजन भी होते हैं वो दूध दही के भोजन होते हैं और हर प्रकार से इनका जूता चप्पल का त्याग करना पूरे दिन भर। ये लगभग 12 गाँव में जाते हैं और बराबर ये नाचते हैं गाते हैं। भगवान कृष्ण के समय से ये प्रथा चली है। तो शास्त्री जी, इसमें कितने लोग होते हैं इसमें? इस टोली में 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 ही व्यक्ति होते हैं इसमें। मतलब जो नाचने वाले हैं वो 27 नक्षत्र के एक एक नक्षत्र होकर के ये 27, इसमें कुल नाचने वाले 27 होते हैं, बाकी तो सहयोगी होते हैं। तो इनकी वेशभूषा कैसे रहती है? वेशभूषा तो ऐसा है कि कोई अपने गाय का स्वरूप बनाते हैं।